Everyone, greetings of the day. Once again, Dr. Anu from Punjab. In the series of differentiation of rubrics, today we will discuss two rubrics. One is naive and one is credulous. जब भी नए होम्योपैथिक डॉक्टर्स माइंड मेथड पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत इनिशियल डेज ऑफ प्रैक्टिस में ये दो रूब्रिक्स आते हैं और हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि नाइफ कहाँ पर लगाना है और क्रेडुलस कहाँ पर लगाना है. फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज नाइफ. नाइफ इन हिंदी इज नौसिखिया और यू कैन से अनुभवहीन व्यक्ति. इफ़ यू डिस्क्राइब समवन एज नाइफ, you think they are lack of experience and so expect the things to be very easy and people to be honest or kind. In very simple words, without any worldly experience, who lacks in experience, they become wise with time. Wo buddhu nahi hote. You can't say them buddhu, but you can say nausikhya, jinko abhi दुनियादारी का एक्सपीरियंस नहीं है, बट बाय टाइम विद टाइम वो ये सब सीख जाते हैं. जेन्युइन, इनोसेंट, नॉन सस्पिशियस विद नेचुरल सिंप्लिसिटी, ये एक नाइफ पर्सन की क्वालिटीज़ होती हैं. फॉर एग्जांपल, डॉक्टर साहब मेरे पीरियड्स ना 4 दिन लेट हो गए, आप प्लीज़ उसकी मेडिसिन दीजिए. मेरे पीरियड्स तो हर महीने सेम डेट पे ही आते हैं, मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर लिया है लेकिन वो तो नेगेटिव है. जब हम पूछते हैं कि 5-4 दिन ऊपर नीचे तो पीरियड्स हो ही जाते हैं तो पेशेंट बोलेगी, अच्छा मुझे तो ये बात का पता नहीं था. दिस इज़ नाइव. लेकिन अब हमने गायनिकोलॉजिस्ट ने, उसकी डॉक्टर ने उसे ये बता दिया है कि 4-5 दिन ऊपर नीचे होना पीरियड्स का, पहले आना या बाद में आना नॉर्मल है, तो वो ये बात को समझ जाएगी. दिस इज नाइव. आजकल अपने आपने बहुत कॉमन एग्जांपल देती हूँ, वो सुना होगा. छोटे छोटे बच्चे हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा शरारती हैं, बहुत मिस्चीवियस बच्चे हैं आजकल, तो पेरेंट्स उन्हें डराने के लिए बोल देते हैं कि देखो टीचर ने, स्कूल वाले टीचर ने हमारे घर में कैमरा फिट किया हुआ है, वो तुम्हारी सारी शरारत है जो यहाँ से देख सकते हैं, तुम्हें तुम ये मत करो, तुम खाना अच्छे से खाओ, तुम खाना सब्जी के साथ रोटी खाओ. लेकिन वो बच्चे 2-3 दिन में ही बोल देते हैं, दिखाओ मामा कहाँ है कैमरा, कहाँ मैडम के पास, या मैडम से भी पूछ लेंगे जाके, दिखाओ कहाँ दिखता हूँ मैं आपको. दिस इज नाइफ. हम उन्हें 2-3 दिन तो बुद्धू बना सकते हैं लेकिन ताउमर सारा टाइम के लिए हम उन्हें मूर्ख नहीं बना सकते. जैसे मैं आपको अपने एक पेशेंट की भी यहाँ एग्जांपल देती हूँ. हमारे यहाँ धान बोने के लिए यूपी और बिहार से लेबर आती है. वो आपको पता है कि बिहार के लोग बहुत ज़्यादा होम्योपैथी मेडिसिन में विश्वास भी करते हैं और यूज़ भी करते हैं. मेरे एक पेशेंट हमारे को दिखाने के लिए वो अनाज मंडी से आ रहे थे, लेकिन जहाँ पर हमारा क्लिनिक है वहाँ पर और भी डॉक्टर्स के क्लिनिक हैं. तो वो पेशेंट वेटिंग एरिया में बैठा उनके, तो उन डॉक्टर साहब को उसने बोला कि होम्योपैथी मेडिसिन मुझे चाहिए वॉट्स के लिए. वॉट्स के थे उस पर, उसके चेहरे पे, तो उसने उसके लिए मेडिसिन लेनी थी. लेकिन वो जो डॉक्टर साहब थे वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते थे और कुछ एसिड वगैरह लगा के वो रिमूव करते थे. तो उन्होंने उसे कहा कि मैं तुम्हें दवाई देता हूँ, ये ठीक हो जाएंगे, और ये दवाई ले लो, ये लगाते रहना. वो एक बार तो दवाई ले आया उनसे, लेकिन सेकेंड टाइम क्योंकि पंजाबी में वो साइन बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, उससे पढ़ा, पूछ पूछ के वो होम्योपैथी डॉक्टर के पास आ ही गया. दिस इज नाइव, कि उसको एक बार तो उससे गलती हो गई लेकिन वापस से उसने ढूंढ ही लिया कि वो होम्योपैथी दवा नहीं थी. दिस इज नाइव. व्हाट इज क्रेडुलस? क्रेडुलस इज सहज विश्वासी, हर एक पे विश्वास कर लेते हैं क्रेडुलस. दे आर टू रेडी to believe what people tell them without proper evidence. This is credulous. For example, कोई बोल दे कि वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, उस पर्सन ने अपने लिए चाहे कभी भी उस डॉक्टर से मेडिसिन ना ली हो, लेकिन इस पर्सन को अगर ये बोल दिया जाए कि वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, तो वो बिना कुछ भी पूछे वहाँ पर चले जाएंगे. For example, एक मेरे पेशेंट थे जिन्होंने जिनको थायराइड की प्रॉब्लम थी,
तो मैंने उनसे पूछा कि आप कितने एमजी की मेडिसिन ले रहे हो, कौन से डॉक्टर साहब से ले रहे हो। तो उन्होंने मुझे स्लिप दिखाई उस डॉक्टर की। तो मैंने कहा कि ये डॉक्टर साहब तो एमडी पीडियाट्रिक्स हैं, तो आप इनसे 7 साल से मेडिसिन कैसे ले रहे हैं, ये तो बच्चों के डॉक्टर हैं। तो उसने मुझे कहा कि मुझे तो किसी ने बोला था कि ये थायराइड की भी दवाई देते हैं, तो मैं तो इनसे ही दवाई ले रही हूँ। दिस इज क्रेडुलस। टीवी पे सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, एक टीवी पे ऐड आती है, कुछ ही दिनों में पतले मोटे हो जाओ, मोटे कुछ ही दिनों में पतले हो जाओ, वो कुछ कुछ प्रोडक्ट बेचते रहते हैं। क्रेडुलस लोग ही उनके इन्फ्लुएंस में आकर ये सब दवा, ये सब प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। और एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल कॉलीलिथियासिस, गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए, कुछ लोग अपनी तरफ से तो वो डॉक्टर के पास ही जाते हैं कि कोई उन्हें बोल देता है कि झाड़ा करवा के, वो गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं जो निकल आती हैं वो झाड़ा करवाते हैं, और बाबा के हाथ में वो पत्थर दिखा देते हैं कि देखो आपकी जो वो स्टोन्स हैं वो एक छोटा सा झाड़ू सा लेके कि यहाँ पर पटकी 7 बार और आपकी स्टोन्स बाहर आ गई, या पानी दे देते हैं कि इससे पथरी डिजॉल्व होके निकल जाएगी। और वो उनको बोल देते हैं कि अल्ट्रासाउंड, तो हम लोग भी पूछते हैं कि आपने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, फिर आपने देखा नहीं कि वो झाड़ा करने के बाद, वो पानी पीने के बाद डिजॉल्व हुई या निकली। तो वो बोलते हैं नहीं डॉक्टर साहब, वो तो ना डॉक्टर साहब, वो बाबा जी के हाथ में ही पत्थर आ गए थे, वही पत्थर थे मेरे अंदर, वो तो उन्होंने बोला था कि टेस्ट नहीं करवाना। दीज आर द क्रेडुलस पीपल। और एक बार झाड़ा करवाए, एक बार पानी पी आए, मतलब फिर हम लोग उन्हें पथरी वहाँ की वहाँ, फिर पेन उठता है, फिर प्रॉब्लम आती है, फिर वॉमिटिंग्स होती हैं, फिर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, और फिर वो वहीं की वहीं गॉल ब्लैडर स्टोन्स होती हैं। इन शॉर्ट, नाइव इज वन फूल्ड वंस फूल्ड अलर्ट फॉर नेक्स्ट टाइम, एंड वॉट इज क्रेडुलस कैन बी फूल्ड मैनी टाइम्स। थैंक यू एवरी वन।